मोदी सरकार की जो पॉलिसी थी शुरू से जब से वो आए हैं वो एंटी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा गया और उसके बाद वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स पे कि सिर्फ उन चीज़ों पे बात करेंगे जो इनका इंटरेस्ट है। लेकिन हमारा मौक़ बिल्कुल वाज़े है कि जब तक तमाम मसाइल पे बशमूल कश्मीर के बातचीत नहीं होगी तो डायलॉग का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब ये बात जो है उनको कन्वे हो गई है और मेरा ख्याल है कि तमाम बैन अल-अक़वामी हमारे इस मौक़ को सपोर्ट करती हैं कि जब तक तमाम इशूज़ पर बात नहीं होगी, जो आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं उनका हल नहीं निकाला जाएगा तो ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। वो उस पर जो बयान आ चुका है कि ऐसा कोई इतमाल नहीं है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो किसी की ये तवक्को हो कि वो ऐसी चीज़ करके दे कैन गेट अवे विद इट, ये ख्याम खाली है। ये मीटिंग काफ़ी अहमियत है क्योंकि ये मसला जो था कि बॉर्डर पे सीज फायर एग्रीमेंट जो हमारा 2003 का था उस पर अमल हो और इस वक्त जो वायलेशन हो रही हैं वो ना हो, ये हमारी NSA मीटिंग का एक बहुत अहम आइटम था UFA डिक्लेरेशन के मुताबिक। लेकिन चूंकि वो मीटिंग नहीं हुई तो ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है।